वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8, दैट इज वुमेन कॉश एंड रिफॉर्म। यानी कि जब ब्रिटिशर्स यहां पर प्रेजेंट थे, जब ब्रिटिशर्स का एजुकेशन यहां पर चल रहा था, जब ब्रिटिशर्स ने चेंज एजुकेशन सिस्टम में लाए थे, जब विलियम मैनस ने यहाँ पे अपनी थ्योरी दी थी, यानी कि जब बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपने अपनी थ्योरी दी थी, जहाँ जहाँ से यहाँ इंशिडेंट जो एंशंट बुक्स थे, जो यहाँ पे पोएट्रीज का दौर चल रहा था, जहाँ यहाँ से कथकस का दौर चल रहा था, अब वो दौर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था। अब यहाँ एंशंट एजुकेशन से जो लोग मॉडर्न एजुकेशन में आ रहे थे, अब लोगों को ये पता चल गया था कि अब जो जो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास टेक्स्ट बुक्स हैं, अब हमारे पास टेक्स्ट हैं, नाउ दे आर एबल टू रीड अ टेक्स्ट बाय देयर होम्स, नाउ कि वो अपने घर में भी ये सब चीजें पढ़ सकते थे। अब इससे क्या हुआ, इससे कुछ चेंजेस आए, वुमेन अपने हकों को जानने लगे, अब कास्ट पे क्या इफेक्ट पड़ा और क्या रिफॉर्म, क्या तब्दीली आए, वो सब चीजें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि वुमेन ने जब इन बुक्स को पढ़ा, वुमेन ने जब इन बुक्स को समझा, इससे पहले कि अगर हम बात करेंगे एंशंट के बारे में, अगर हम बात करेंगे, इन वुमेन को घर से निकालने की इजाजत ही नहीं दी जाती थी। और बहुत चाहे वो हम हिंदुज़म की बात करें, चाहे हम मुस्लिम्स की बात करें, अभी तक यही बताया जा रहा था कि वुमेन का काम एक ही है कि वो घर में बैठे, वो चूल्हा जलाए। लेकिन अब कुछ कुछ वुमेन ऐसी भी थी जो घर में ही तालीम हासिल करने उन्होंने स्टार्ट कर दिए, यानी कि वुमेन में एक चेंज आने लगी, यानी कि वुमेन अपने हकूक के लिए लड़ने लगे, अब वुमेन का एजुकेशन सिस्टम डेवलप होने लगे, अब वुमेन के लिए कुछ कोचिंग स्टार्ट होने लगे, अब वुमेन के लिए भी पाठशाला स्टार्ट होने लगे, अब वुमेन के लिए भी स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में थोड़ी थोड़ी सी इनॉग्रेशन स्टार्ट होने लगी। जब ये सारी चीजें एक साइड से चल रही थी और इसी के साइड से कास्ट सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ा, यानी कि अब जो कास्ट थे, जो अपर एंड लोअर कास्ट थे, जो ब्राह्मण ने ब्राह्मण बनाए थे, शूद्रास बनाए थे, विश्वास बनाए थे, जो क्षत्रिय जो ब्राह्मण टॉप पर थे, फिर क्षत्रियाज थे, फिर विश्वास थे, फिर शूद्रास थे, फिर पोल्यूटिंग अनटचेबिलिटी फैमिलीज थे, और इस पर क्या इफेक्ट पड़ा, अब लोग इस कास्टिज्म को कैसे क्रिटिसाइज करने लगे एंड द रिफॉर्म, और क्या चेंज आए, क्या इनमें कुछ तब्दीली आई कि नहीं आई, वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। यानी कि एक साइड से ब्रिटिशर्स का दौर चल रहा था, एक साइड से इंडिया इनके खिलाफ लड़ रहे थे, एक साइड से एक ऐसा दौर चल रहा था जहां पर रिवोल्ट 1857 हुआ था, जहां पर सिपाज अगेनेस्ट हुए थे, जहां पर पीजेंट अगेनेस्ट हुए थे इस ब्रिटिश कंपनी के, इस ब्रिटिश रूल के, जहां से महात्मा गांधी का ऑरिजन हुआ था, जहां से एक साइड से कौन रविन्द्रनाथ टैगोर वजूद आता है, और दूसरी साइड से यहां पर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहां से राइट्स के लिए बात हो रही है, यहां से वुमेन्स पार्टिसिपेशन हो रही है, ठीक है ना। तो यही हम देखेंगे, पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। देखो सती प्रैक्टिस, यहां पर एक रिवाज होता था जो हिंदुज़म में होता था कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का हस्बैंड इस दुनिया से चला जाएगा तो इसकी जो वाइफ है वो उसी के साथ उसको जलाया जाता था, और माना जाता है कि ये जो उसकी औरत है ये वफादार है, उसके लिए लॉयल है, अगर वो उसके साथ जिंदा जले, अगर नहीं तो फिर वो मतलब उस तरीके का साथ एक ट्रेडिशन चल रहा था। इस सती पे बैन लगाई गई, ये सती कल्चर पे बैन लगाया गया, ये बात हुई थी। और इसके अलावा जो कास्ट सिस्टम था, जो ब्राह्मणस ने अपना कास्ट बनाया था, ब्राह्मणस, शूद्रास, विश्वास, और फिर क्या बनाया था, फिर शूद्रास बनाए थे, विश्वास बनाए थे, क्षत्रियास बनाए थे, ब्राह्मणस बनाए थे, ये चार सेक्ट्स उन्होंने खुद ही अपर कास्ट सिस्टम और लोअर कास्ट सिस्टम बनाए थे। और इसके अलावा कि अगर हम बात करेंगे, इसके अलावा भी फिर पोल्यूटिंग आए थे, फिर महार कम्युनिटी, जहाँ पर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे डॉक्टर अम्बेडकर की बात करेंगे, जहाँ पर हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करेंगे, जहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर की जो महार फैमिली से था, उन बेचारों को कितने सफरिंग करने पड़ रहे थे उस दौर से पहले जब एजुकेशन सिस्टम नहीं था। इसके अलावा गर्ल्स राइट्स, अब गर्ल्स को राइट्स मिलने स्टार्ट हो गए थे, अब जो गर्ल्स हैं वो भी अब थोड़े थोड़े से क्या करने लगे, वो भी पढ़ने के काबिल हो गए थे, अब वो भी पढ़ने लगे, वो भी अपने बुक्स को लिखने लगे। और मुस्लिम्स और जो हिंदूज का जो कल्चर चल रहा था कि बस ये चूल्हे पकाने के लिए है, इस कंसेप्ट को रिमूव कर दिया गया। नाउ द वुमेन वर आल्सो एबल टू रीड द बुक्स, ठीक है ना, अब ये भी लिखने लगे थे, ये भी पढ़ने लगे थे। इसका इफेक्ट क्या पड़ा वो भी हम देखेंगे। और जो ये पोल्यूटिंग थी, और जो ये महार फैमिली बिचारी थी, या जो वो जो लोअर कास्ट
मास्टर्स थे, ठीक है ना, और इन पे क्या असर पड़ा इस कल्चर से, अब ये भी अपने लिए, अब ये भी क्या करने लगे या अपने लिए लड़ने लगे, अपने लिए क्या करने लगे, लड़ने लगे। पहले हम देखेंगे वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, वर्किंग टुवर्ड्स चेंज जो हमारे टेक्स्ट बुक में रिटर्न दिया हुआ है। अब क्या हो रहा है, राजा रमनो राय जो कलकत्ता में उसकी आ रही थी, कलकत्ता में उसने क्या किया, उसने एक एसोसिएशन बनाया, ब्रह्मो सभा एसोसिएशन बनाई, या उसको कहते हैं ब्रह्मो समाज। ये इसका मेन मोटिव क्या था इस ब्रह्मो सभा का, या इस ब्रह्मो समाज जो आगे बन गई, इसका मेन मोटिव यही था कि हमें सती को खत्म करना है, हमें सती को खत्म करना है, जो ये मर्द के साथ औरत को जिंदा जलाया जाता था, इसको हमें खत्म करना है, और इसी पे बैन लगाई है ब्रिटिशर्स ने 1829 में। और वुमेन इज फोर्स्ड, जो ये कह रही थी कि ये कह रहा था कि जो वुमेन है उनको फोर्स किया जा रहा है, उनको अपने घर में ही उनको बांध के रखा जा रहा है, उनको फियर होता है कि हमें घर में ही काम करना है, हम बाहर नहीं जा सकते, हम स्कूल में नहीं जा सकते, हम एजुकेशन को जो है ना एजुकेशन नहीं पढ़ सकते। और ये कहीं पर लिखा ही नहीं है, इन्होंने दलील दी है, इसने दलील दिया है कि वुमेन जो फोर्स किया जा रहा है उन बेचारों को जो घर में बंधे हुए रहते हो रखते हो आप लोग, ये तो कहीं एंशंट टेक्स्ट में दिया ही नहीं है, आप क्यों खुद ही इसने रिफर किया है, आप क्यों खुद ही ये बताते हो कि नहीं वुमेन एजुकेशन के लिए ठीक नहीं है। व्हाई नॉट गर्ल्स मूव आउटसाइड फ्रॉम द एजुकेशन, व्हाई द गर्ल्स विल नॉट मूव फ्रॉम देयर होम्स, ठीक है ना, क्यों नहीं निकल सकते हैं। और इसके अलावा जब जो बाकी रिफॉर्मर्स थे जो हम पढ़ेंगे आगे, बहुत सारे मुस्लिम वुमेन्स भी यहाँ पे हुए थे, इंट्रोड्यूस अपने लेक्चर्स उन्होंने किए थे, अपने बुक्स पब्लिश किए थे, इनको भी एक ऐसी चीजें मिल गई, यहाँ पे एक क्लू मिल गया कि अगर हमें क्या बताना है, अगर हमें ये बताना है कि ये बातें सही नहीं है, तो हमें ये करना चाहिए कि हमें ये बताना चाहिए कि ये इंसिडेंट टेक्स्ट में ही नहीं है, यानी कि वो अब रेफर करने लगे क्या ये चीजें इंसिडेंट टेक्स्ट में है कि नहीं है। और इसके अलावा ट्रांसलेट इसने क्या किया, ये राजा रामोहन रॉय इसने ट्रांसलेट किया बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को, और ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थे जिनको इन्होंने क्या किया, इनको ये किया ट्रांसलेट किया, और इसका भी बिलीव था, इन बुक्स का भी बिलीव था कि क्रिटिकल ऑफ कास्ट, ये भी कास्टिज्म को क्या कर रहे थे, खत्म कर रहे थे। और जब ये वो बातें कर रहे थे जो ब्रिटिश चाहती थी यहाँ पर, क्योंकि ब्रिटिश ने यही कहा था कि ये अनसिविलाइज्ड यहाँ पे है, ब्रिटिश ने क्या कहा था, ब्रिटिश ने कहा था ये यहाँ पे क्या है, अनसिविलाइज्ड है। अब जन उनको ये बात पता चली कि ये जो लोग है ये यही चाहते हैं कि सती को खत्म किया जाए, ये यही ब्रिटिशर्स भी यही चाहते थे कि गर्ल जो है उनको भी एजुकेशन मिले, उनको भी इंग्लिश नॉलेज मिले। अब जो ब्रिटिश से वो इनको सुनने लगे, ठीक है ना, उनकी बात को सुनने लगे। इसी के फिर दूसरा आता है ईश्वर चंद्रा, ठीक है ना, यदि सागर जो था, इसने भी इंसिडेंट बुक्स की हमें कहानी बताई, इंसिडेंट बुक्स की दलीलें दी, इसने क्या बताया कि वुमेन रिमैरिज हो सकता है, वुमेन से जो जिस जो विधवाएं हैं उनसे निकाह किया जा सकता है, उनसे शादी कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसने टेक्स्ट एंशिएंट टेक्स्ट्स का जो रेफरेंस हमें दिया, और फिर एक लॉ पास हुआ 1856 में, ये यही बताता है कि अब वुमेन के साथ रिमैरिज की जा सकती है, यानी कि यहाँ पे हमें यही पता चलता है क्या रिफॉर्म्स हो रहे, क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारे सोसाइटी में, किससे, इस इंग्लिश के यहाँ पे आने से, ब्रिटिशर्स के आने से। और सैम और कुछ सम अपोजिट एंड बायकॉट हिम, और कुछ लोग जो ये चाहते थे कि वुमेन घर में ही रहे, जो ये चाहते थे कि वुमेन चूल्हा ही जलाए, जो ये चाहते हैं कि अगर हम अपने अपने बच्चों को अपने गर्ल्स को आउटसाइड भेजेंगे तो उन पर क्या पड़ेंगे, ये वेस्टर्न बन जाएंगे। अब जब ये वेस्टर्न बन जाएंगे तो इसे एक मसला क्रिएट हो जाएगा, ये लोग हमारा जो कहना है वो नहीं मानेंगे, ये लोग इसके अपोजिट में हो गए और इसको बायकॉट किया। ओपन स्कूल्स फॉर वुमेन एजुकेशन, और जो ये ईश्वर चंद्रा विद्या सागर था, इसने क्या किया, स्कूल्स भी ओपन किए, ठीक है ना। और वर्षा लंगम पंतुला इसने क्या किया, वुमेन रिमैरिज, इसने भी बताया, मद्रास प्रिजन से था, इसने भी वुमेन रिमैरिज पे जोर दिया, ठीक है ना। इसके अलावा स्वामी दयानंद, ठीक है ना, सरस्वती,
स्वामी दयन्ना दयानंदन सरस्वती, इसने आर्या समाज एसोसिएशन क्रिएट किया, ठीक है ना। इसने आर्या समाज एसोसिएशन क्रिएट किया जो फोकस कर रहा था इसी पे, इसी वुमेन रिमैरिज पे। और इसके अलावा इसने गर्ल्स के लिए कहाँ पे पंजाब में स्कूल्स भी ओपन किए। यानी कि यहाँ से हमें ये चल रहा पता चल रहा है कि गर्ल्स के राइट्स की बारे में अब क्या हो रही है, बात हो रही है, ठीक है ना। विद्यासागर की बात करेंगे, कलकत्ता में इसने भी स्कूल्स ओपन किए, किसके लिए, गर्ल्स के लिए, ठीक है ना। ज्योतिरो पुली, ठीक है ना, महाराष्ट्र से इसने भी स्कूल्स क्या क्या किया, स्कूल फॉर गर्ल्स, ठीक है ना, ज्योतिराय पुली, ज्योतिरा फुली या ज्योतिरा पुली, इसने भी महाराष्ट्र से थी और इसने भी क्या किया, स्कूल फॉर गर्ल्स। इसके अलावा कुछ मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मुमताज अली की बात करें, इसने कुरान से हमें दलील दी, कुरान के वर्स से हमें ये बताया कि वुमेन्स और मैन्स दोनों के लिए जो एजुकेशन सिस्टम है, कि वुमेन्स के लिए एजुकेशन सिस्टम जरूरी है, क्योंकि कुरान के वर्स से इसने ये बताया, किसने, मुमताज अली ने। और बैगम्स ऑफ भोपाल, इसने भी कुरान के वर्स, इसने भी इस चीज पे फोकस किया कि वुमेन की एजुकेशन जो है वो जरूरी है। और इसने प्राइमरी स्कूल्स जो बैगम्स ऑफ भोपाल थे, इसने प्राइमरी स्कूल्स यहाँ पे लॉन्च किए अलीगढ़ में। इसके अलावा जो बैगम रुकाया सादत सवादत हुसैन थी, इसने गर्ल्स स्कूल पटना और कलकत्ता में खोला। यहाँ पे ये पता चलता है कि सती पे बैन लग जाती है, यहाँ पे ये पता चलता है कि वुमेन्स रिमैरिज की बात चलती है, यहाँ पे ये पता चलता है कास्टिज्म के अपोजिशन में बात हो रही है। लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पता चलता है क्या एक ओर से रिवोल्ट चल रहा था, दूसरी साइड से क्या एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आ रहा था और क्या सोसाइटी में इस चीज से बदलाव आ रहा था। तरापाई सिंधी, तरापाई सिंधी की अगर हम बात करेंगे तो इसने एजुकेशन होम बनाया, किसके लिए, तराबाई सिंधु ने क्या किया, इसने एजुकेशन, इसने उसने क्या किया, इसने होम बनाया, किन के लिए होम बनाया, इन्हीं वुमेन्स के लिए होम बनाया, ठीक है ना। इसने वुमेन्स के लिए होम बनाया और इसने अपनी बुक भी एक लिखी, श्री प्रसाद तुलना इसने अपनी बुक लिखी। और पंडिता रमाबाई की अगर हम बात करेंगे, इसने एजुकेशन होम बनाया, यानी कि इसने भी एजुकेशन होम बनाया था, लेकिन इसने क्या बनाया, वुमेन होम, इसने एजुकेशन होम बनाया था, यानी कि बच्चों की पढ़ाने के लिए स्कूल क्रिएट किया था। इसने वुमेन होम बनाया था पुणे के लिए, किन के लिए, उन औरतों के लिए, वुमेन्स के लिए जिनका तलाक हो चुका हो उनके लिए, ठीक है ना, पंडिता रमाबाई। और हिंदुज्म वाज ऑपरेसिव टुवर्ड्स वुमेन्स, और इसने ये किया कि हिंदुज्म एक बेकार था, एज पर द पंडिता रमाबाई जो हिंदुज्म है वो बेकार है, वो बेकार है, ये इसकी फिलॉसफी थी, ठीक है ना, इसकी फिलॉसफी थी पंडिता रमाबाई की। इसने बताया कि जो हिंदुज्म थी वुमेन्स के लिए ये बेकार थी, क्योंकि वहां पर भी यही चीज थी कि घर में ही बैठो, आपको घर चलाना है, चूल्हा चलाना है, ठीक है ना। और जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करेंगे या सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे, इन्होंने भी जब उस टाइम पे क्या हुआ था, इक्वलिटी पे अब बात हो रही थी, अब वुमेन जागरूक हो चुकी थी, अब वुमेन लड़ने लगी थी, अब वुमेन राइट टू वोट पे आ गई थी, अब वुमेन ये कह रही थी हमें इक्वल राइट्स मिलने चाहे दैट ऑफ मैन, हमें वेजेस मिलने चाहे दैट ऑफ मैन, यानी कि हर एक चीज में हमें क्या मिलने चाहे, बराबरी मिलनी चाहे, हमें राइट टू वोट मिलने चाहे। अब बहुत सारे ऐसी भी वुमेन थी जो अब पार्टिसिपेशन करने लगी थी, किसमें पार्टिसिपेशन करने लगी थी, प्रोटेस्टर्स में, ठीक है ना। अब बहुत सारी वुमेन थी जो एज अ लीडर भी काम करने लगी थी, अब बहुत सारी वुमेन थी जो राइटर थी, जैसे हमने देखा भी था, जो बहुत सारी वुमेन थी जो अपनी कहानी लिखने स्टार्ट कर दी थी, बहुत सारी वुमेन थी जो एजुकेशन सिस्टम में आ चुकी थी, यानी चेंज आ रही थी, जब ऐसी चेंज आ रही थी, इक्वलिटी पे बात हो रही थी। और यही बताया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस था, इसने भी इस चीज को क्या किया, सपोर्ट किया, इस चीज को क्या किया, सपोर्ट किया, कहा हाँ आपको क्या चाहिए, इक्वलिटी देनी चाहिए। अगर हम कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म की बात करें, कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म की बात करें, तो कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म में यही चीज है कि सोसाइटी में और कास्ट में क्या बदलाव पड़ता है। पहले अगर हम बात करेंगे राजा रामोन रॉय की, इसने ट्रांसलेट किया ओल्ड बुद्धिज्म टेक्स्ट को, जहां पर यह बताया जा रहा, क्रिटिसाइज किया जा रहा, किसको, इस कास्ट सिस्टम को, क्या किया जा रहा है, इस कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया जा रहा था,
था। अगर हम फिर करेंगे बात परथाना समाज, परथाना समाज जो भक्ति बिलीवर्स थे, यहां पे भी लिखा था स्पिरिचुअल इक्वलिटी ऑफ कास्ट। परथना समाज, परथना समाज में यही लिखा था इक्वलिटी, स्पिरिचुअल इक्वलिटी ऑफ कास्ट, यानी कि कोई अलग नहीं है, ब्राह्मणस हो, क्षत्रियाज हो, वैश्यास हो, क्षत्रियाज हो, सारे सेम हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे प्रेमहनास मंडली, प्रेमहनास मंडली 1804, ये किस पे बात कर रहा था? एबोलिशन ऑफ कास्ट, यानी कि कास्ट सिस्टम जो है ये क्या होना चाहिए, ये अबॉलिश होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। और क्रिश्चियन मिशनरीज की अगर हम बात करेंगे, इन्होंने स्कूल्स बनाए थे किनके? ट्राइबल पीपल्स के लिए, लोअर क्लास के लिए, यानी इन्होंने स्कूल्स बनाए थे किनके लिए? स्कूल्स बनाए थे जो माइनॉरिटी थे, जो माइनॉरिटी यहाँ पे थी उनके लिए क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा स्कूल्स बनाए गए थे, ठीक है ना। और ये वो टाइम था जब पुअर पीपल्स माइग्रेट करने जा रहे थे। अब ये गांवों से कहाँ, किसके ओर जा रहे थे? सिटीज के ओर जा रहे थे। किसके लिए जा रहे थे? जॉब्स के लिए, डगिंग के लिए, रोड्स के लिए, बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, कहीं पर केयरिंग, मतलब यहाँ पे कुछ भी काम हो, ड्रगिंग, चाहे डगिंग का काम हो, खुदाई के काम हो, कहीं पे केयरिंग का काम हो, ठीक है ना, कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम हो, बिल्डिंग का काम हो, रोड्स का काम हो, कुछ भी काम हो, वो करने के लिए सिटीज की ओर रुख करने जा रहे थे। अगर हम इश्यूज की बात करें, यहाँ पे सोशल इश्यूज भी था, यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यू भी था, यहाँ पे रिलीजियस इश्यू भी था, यहाँ इकोनॉमिक इश्यू भी था। देखो सोसाइटी में क्या हो रहा था, वो मैंने स्कूल जाने लगी थी और बहुत सारे लोगों को ये पसंद भी नहीं आ रहा था, ये सोशल इशू था। अब रिलीजियस पे बात हो रही थी और रिलीजियस ये इशू था कि उनको लगा था कि रिलीजियस इससे प्रॉब्लम में आ जाएगा। और यहाँ से पॉलिटिकल इशू भी था, रिवोल्ट हो रहे थे, यहाँ पे पीजेंट्स को वो तनख्वाह ही नहीं मिल रहा था, और इकॉनमिक वीक हो रही थी, इकॉनमिक कम हो रही थी, ठीक है ना, इकॉनमिक कम हो रही थी। जिस मैंने आपको इसे पहले लेक्चर में बताया था कि सुपोनर्स को, जो सिपाही को, उनको लेस पे मिल रहा था, उसको लेस ये मिल रहा था, पे मिल रहा था, और उनको बताया जा रहा था कि सी रूट्स भी आपको क्या करना है, पास क्रॉस करना है, जैसे मैंने आपको बताया था 1824 में, जब उनको बर्मा के लिए बोला गया था, ठीक है ना। तो ये थी कहानी इंट्रोडक्शन की, और फिर हमने इसकी बात की है। अब हम देखेंगे डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, अब क्या डिमांड्स किए गए, अब कौन कौन से लोग इसमें आ गए, ठीक है ना। वो सारी कहानी जो है वो हम आगे अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी प्लेटफॉर्म।